शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर कृषि भवन सभागार में डीओ के अध्यक्षता में आज एक बैठक किया गया। इस बैठक में सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ ही कई शिक्षक भी उपस्थित थे और पूरे वर्ष में जो आय व्यय का को लेकर लेखा जोखा पर भी बातचीत किया गया और दिशा निर्देश दिया गया कि जिस विद्यालयों में अगर अभी भी जो फंड बाकी है उसे विकास कार्यों में यथाशीघ्र का उपयोग किया जाए। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, सभी स्कूल जितने भी स्कूल हैं प्राइमरी वाले या मिडिल वाले सबको फिर चाहे सीआरसी करे या बीओ करे या डीपीओ करे या डीओ करे, लेकिन सभी स्कूल गर्मी के छुट्टी के पहले एक बार इंस्पेक्शन हो जाना है। सीआरसी को तो सब स्कूल करना है, बीओ को महीना में 20 स्कूल करना है, डीपीओ को महीना में 10 स्कूल करना है। तो 28 तारीख को हम लोगों ने डेट रख दिया और उसमें अभी उसमें दो बातें हैं। कुछ चूंकि हमारे पास सीट है जिला स्कूल में हॉल का 100, तो आज व्हाट्सएप पर आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लोगों का 10 बजे से होगा, कुछ लोगों का 2 बजे से होगा। अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि किस ब्लॉक में कितने सीआरसी हैं, बीआरपी हैं, तो कुछ लोगों का 10। इसके पहले हम लोग सभी ब्लॉक अकाउंटेंट और कस्तूरबा के अकाउंटेंट को हम लोग ट्रेंड कर देंगे इसके पहले 28 के पहले हम लोग सभी बीआरसी के अकाउंटेंट को और कस्तूरबा के अकाउंटेंट को हम लोग ट्रेंड कर देंगे। और ट्रेनिंग के दिन को हम लोग को मास्टर हम लोग रहेंगे ही, वो लोग भी मास्टर ट्रेनर के रूप में सबको एप्लीकेशन डाउनलोड कराएंगे। अरे भाई आपका 10 मिनट कब खत्म हो गया है, आधा घंटा से तो ऊपर हो गया 10 मिनट आपका। और बाबू लोहिया बगल में मुस्कुरा रहे हैं। संपन्न हुई है इस समीक्षा बैठक में बाल संसद के गठन, विद्यालय शिक्षा समिति के गठन, साथ ही विद्यालय के भवन निर्माण कार्य के प्रगति की समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त 23 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जल्दी स्कूल में आयोजित होने वाले बाबू वीर कुमार सिंह विजय उत्सव समारोह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत विद्यालयों में बाबू वीर कुमार सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित और उनके जीवन को आम आवाम तक पहुँचाने हेतु विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किए जाएंगे और इसके माध्यम से सभी बच्चों को बाबू वीर कुमार सिंह के जीवन वृत्त के संबंध में जानकारी दी जाएगी और उसमें जो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो टीम होंगे उन्हें मुख्य समारोह में प्रस्तुत कराया जाएगा।